सियासत हो या क्राइम, सामाजिक सरोकार हो या राजनीति, घोटाला हो या बयान, हर तरह के खबरों का गुलदस्ता सिर्फ तहलका न्यूज पर। तहलका न्यूज रखे सारी खबरों को सबसे आगे, सिर्फ खबर ही नहीं भरोसा भी। मैं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं तहलका न्यूज। मैं कोलकाता में माँ काली जी के मंदिर में हूँ। यही माँ काली जी के मंदिर को जाने का रास्ता है। देखिए कितना सुंदर वक्त है। मेरी उम्र है जिसके हमें माँ काली जी निवास करती हैं और आप लोग देख सकते हैं यही वो माँ काली जी के तरफ जाने वाला स्थान है। अच्छा भैया, यहाँ नवरात्र में बहुत भीड़ होती है ना? मैं प्रेस से हूँ। यहाँ नवरात्र में बहुत भीड़ होती है ना? नहीं, वीडियो क्या कर रहे हैं? नहीं, वो मैं इसको टीवी पे दूंगा। टीवी पे यहीं के यहीं कराने वाले। ठीक है, यही हावड़ा। ये आप लोग, ये बड़ा दिव्य स्थान है। देखिए कितना रमणीय स्थान है यहाँ पे। आइए, ये स्थान जो है सीधे हावड़ा की तरफ जाएगा और यहाँ जो है आप लोग बहुत दिव्य दर्शन कीजिए। ये है यहाँ का नज़ारा, कितना सुंदर है। माता का स्थान है। यहाँ के लोग पूरी तरह से माँ के चरणों में समर्पित हैं। चारों तरफ भक्ति का माहौल है और ये स्थान माँ काली के शरण में लोग आते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। आप लोग देख रहे हैं इस समय तहलका न्यूज को। तहलका न्यूज मऊ जिले, मतलब उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से चल करके कोलकाता के इस समय माँ काली घाट पर पहुँचा हुआ है और जहाँ आपको सीधा लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये वही रास्ता है जहाँ से लोग माँ काली का दर्शन करने के लिए आते हैं। ये रास्ता सीधे हावड़ा के लिए जाएगा। माँ काली घाट में दर्शन करने के बाद आप लोग सीधे माँ काली के स्थान पर जाएंगे और वहाँ माँ का दर्शन करने के बाद आप लोग, मैं बता दूँ, ये जो आगे आगे व्यक्ति चल रहे हैं या तो वहाँ के प्रधान हैं देवेंद्र राय जी, मैं इन्हीं के साथ यहाँ दर्शन करने आया हूँ। वो प्रधान जी हैं, वहाँ के बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। माता जी का आपने दर्शन किया, माँ से क्या मांगा आपने? पहले तो सबसे पहले तो अपने CRPF और मिलिट्री के शहीदों के लिए आत्मा, शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया माँ काली से। उसके बाद अपने देश के रक्षा के लिए प्रार्थना किया। उसके बाद अपने गांव की प्रार्थना किया। उसके बाद अपने परिवार की पूरे पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तरसावां दोहरी घाट जनपद के बड़राव ब्लॉक के दोहरी घाट के तरसावां गांव के आप प्रधान हैं और आप देख सकते हैं कि ये मंदिर है और ये सामान है, बहुत अच्छी दुकान है। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है इसमें। शाम के लगभग यहाँ चूड़ियाँ लोगों को बहुत, यहाँ माँ के लोग शरण में चूड़ियाँ लेकर जाते हैं। देख सकते हैं इसमें 6:25 हो रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कोलकाता में माँ काली का यह स्थान, जहाँ अति दिव्य अति शोभनम माँ का दर्शन करने से मन को शांति मिलती है। मैं रंजीत राय तहलका न्यूज़ से और अपने चीफ एडिटर अरुण सिंह भीमा जी की तरफ से सभी कोलकाता वासियों के लिए हार्दिक शुभकामना कर रहा हूँ। सभी लोगों को उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहा हूँ और अपने देश के लिए अपने बलिदान देने वाले सारे सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए माँ काली से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैंने अपने मित्रों के अनुरोध, अपने सगे संबंधियों के मार्गदर्शन में आज मैंने क्रोध लोभ लालच बेईमानी शैतानी जैसे अपने शैतान अपने रावण राज का अंत किया और मैंने ये प्रयास नहीं, मैंने एक संकल्प लिया है कि मैं अपने मन कर्म वाणी वचन से किसी को कष्ट नहीं पहुँचाऊँगा, गुस्सा बनाऊँगा, क्योंकि मैं अब अमीर हो जाऊँगा, बहुत इंसान के प्रभाव से अपने कार्य को करूँगा, किसी को मैं सख्त नहीं होने दूंगा। तो मेरा प्रयास रहेगा क्योंकि भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं मुझसे बरसती है, वो मेरी प्रार्थना है। हावड़ा के लिए बस आगे मिलेगी और वहाँ हावड़ा संगम है। मैं यहाँ पे कोलकाता में एक विशेष कार्य से आया हुआ हूँ। मऊ जनपद के बड़राव ब्लॉक के तरसावां गांव निवासी श्री अनिल राय, जिनका खुद का निजी अखबार है समग्या, उसी के तृतीय वर्षगांठ में मैं कोलकाता आया हुआ हूं और उस वर्षगांठ में मैं शामिल हुआ जिसमें यहां के लोकप्रिय विधायिका मुख्य अतिथि रहीं। तमाम लोग इस
कार्यक्रम में सहभागी बने और बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। उस कार्यक्रम में हमें भी बोलने का मौका मिला और हमने अपने तहलका न्यूज के प्रयासों को, अपने परिवार के आशीर्वाद और उनके उद्देश्यों को लोगों को बताया। लोगों ने बड़ा सराहा और कहा कि शुद्ध हिंदी सुनने के लिए मिला, इससे हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं। इस तृतीय वर्षगांठ में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल अवस्थी ने बहुत शानदार अपना परफॉर्मेंस दिखाएं। इसके लिए रायबरेली के रहने वाले राहुल अवस्थी को भी बहुत बहुत साधुवाद है। और आप देख सकते हैं कि मैं इस समय कोलकाता माँ काली जी का ही रास्ता है जिससे मैं गुजर रहा हूँ। माँ का दर्शन करिए और माँ सबकी कृपा बनाए रहें। इसी के साथ मैं उम्मीद राय आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आपको माँ का दिव्य दर्शन करने का मार्ग और माँ का आशीर्वचन और प्रधान वीरेंद्र राय के विचार और उनके सद्भाव आप लोगों के हृदय को स्पर्श किया हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और घंटी बजाएं, ताकि आप लोगों को तहलका न्यूज़ देखने के लिए यूट्यूब पे जाएं और tahalka.in टाइप करें और देखें तहलका न्यूज। तहलका न्यूज हमेशा आप लोगों के साथ है और हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। हमने की तरफ से आपसे